नमस्कार, स्वागत है आपका खबरी में। मैं हूं परीक्षा अभिमंत्री और चलते हैं आज की अपनी खबरों की। 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS विक्रांत। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकार्पण के बाद विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे हिंद महासागर में नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोड़मरे ने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मोदी 2 सितंबर को कोच्चि में इस विमान वाहक पोत को देश को समर्पित करेंगे, जिससे ये विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। कर्नाटक में हुआ बड़ा हादसा, सड़क दुर्घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत। तुमकुरू में कलम्बेल्ला के पास वीरवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 13 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक टेम्पो और लॉरी में टक्कर हो जाने से यह हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए लोग रायचूर जिले के विभिन्न भागों से आए दिहाड़ी मजदूर थे और बेंगलुरु जा रहे थे। उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सूत्रों ने बताया कि टेम्पो में लगभग 24 यात्री थे। कश्मीर में आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए, 3 पिस्तौल, 5 ग्रेनेड समेत कई सामान बरामद। बांदीपोरा में पुलिस और 26 असम राइफल ने साझा अभियान में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोहम्मद यूसुफ वानी और मंजूर शाह है। साथ ही उनके पास से मैगजीन समेत 3 पिस्तौल, 5 हैंड ग्रेनेड, 9 MM के 24 राउंड और पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के फर्जी ID कार्ड बरामद हुए हैं। VVS लक्ष्मण बने एशिया कप के लिए भारत के अंतरिम मुख्य कोच। एशिया कप 2022 के लिए NCA प्रमुख VVS लक्ष्मण को भारतीय टीम का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है। दरअसल टूर्नामेंट के लिए UAE जाने से पहले भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हाल ही में जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली भारतीय टीम के साथ भी लक्ष्मण बतौर मुख्य कोच गए थे। छतरपुर में एक हैंडपंप से निकल रहा है आग और पानी। छतरपुर में एक हैंडपंप से पानी के साथ आग निकल रही है। जब आसपास के इलाकों में इसका पता चला तो लोग ये नज़ारा देखने पहुंच गए। मामला बक्सवाहा से 10 किलोमीटर दूर स्थित कछार गांव का है। विशेषज्ञ का कहना है कि बोर से मीथेन गैस निकलने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हमारे रहती है हर खबर पर नजर।